अपने हाथ में ऐसे प्रसाद खाते हुए आ रहे थे तो कैलाश होते हुए आए। तो कैलाश में भगवान शंकर ने भोलेनाथ ने देख लिया, कुछ हाथ में लिए हैं और खा भी रहे हैं। तो शिव जी ने पूछा, क्या बात है नारद मुनि, आज क्या बात, इतने बहुत प्रसन्न लग रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, क्या बात है? तो फिर नारद मुनि बताए कि ये भगवान का प्रसाद है, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, इसलिए हम बहुत आनंदित हूँ। तो फिर वो तो वैष्णव के अग्रगण हैं, वैष्णवानाम यथा संभु। इसी भागवत में महादेव शिव जी के विषय में बताया गया है, वैष्णवानाम यथा संभु। वैष्णव में जो संभु हैं, जो शिव जी हैं, अग्रणी हैं, प्रधान वैष्णव हैं शिव जी। तो जैसे उन्होंने नारद मुनि ने बताया भगवान का प्रसाद है, वो तो पागल हो गए, उसके लिए मुझे भी दीजिए करके उसके हाथ से छीन करके खा लिए। जो कुछ बचा हुआ था, जो कुछ दाना बचा हुआ था, उसे छीन के खा लिए। और ये जैसे होना था, खाने के बाद दोनों पागलों की तरह नाचना चालू हो गया। उधर ही कैलाश में हरी बोल करने लगे, जय हो करके। तो ये सब आवाज़ सुन करके बाद में माता पार्वती भी उधर आ गई, क्या हो गया, क्या ये दोनों को आज क्या हो गया, क्या भूत लग गया। तो पूछने लगी क्या बात है, क्या बात। तो फिर शिव जी बताए कि भगवान का प्रसाद हमने खाया। तो इतना कहना था तो वो क्यों पीछे रहने वाले, बोले हमें भी दो। तो इतना कहा, तब तक तो सब फिनिश हो गया था, खत्म हो गया था, हाथ में जो कुछ था वो शिव जी खत्म कर दिए। तो उसके बाद में तो कुछ रहा ही नहीं। तो माता जगदम्बा को, पार्वती को बहुत दुख हुआ इस चीज़ से कि मुझे प्रसाद नहीं मिला। थोड़ा क्रोध भी हुआ शिव जी पर, मेरे लिए नहीं रखा बोल के। तो मन में उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसा तप करूँगी कि सारे जगत को प्रसाद मिलेगा। आप लोग इतने स्वार्थी हैं, आप दोनों ही खा के ख़त्म कर दिए भगवान का प्रसाद, लेकिन हम ऐसा तप करूँगे कि सारे जगत को हम प्रसाद खिला करें। उसका आगे का इश्क मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह से उन्होंने तप किया और भगवान का आशीर्वाद से, जो वरदान से कुछ ऐसा क्रिएट हुआ। तो उनके कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से इस जगत में जो है प्रसाद का इस तरह से वितरण हुआ। तो प्रसाद का जो है शास्त्रों में बहुत जगह महिमा दिखाया गया है, प्रसाद की महिमा। आज भी इसकी प्रसाद की महिमा से कोई बच नहीं सकता है। अभी ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रभुपाद अपने जीवन में जब इस इधर अमेरिका में आए, उनका यद्यपि गुरु महाराज के आदेश से आए थे, फिर भी उनके मन में शंका था कि मेरे इस संदेश को, चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को, भगवान कृष्ण का इस संदेश को कैसे लोग जानेंगे, इतना पाप यहाँ चल रहा है, लोग कैसे मेरी बातों को ग्रहण कर पाएंगे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात जरूर था कि वो प्रसाद बनाने बहुत निपुण थे, प्रभुपाद को उसमें विश्वास था कि हम यही कर सकते हैं, लोगों को हम प्रसाद खिला सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, प्रसाद खिलाया, हलवा बना बना के खिलाया, खूब हलवा बनाया प्रभुपाद ने,
घी से बढ़िया हलवा खुद बनाते थे और भक्तों में ऐसे बांटते थे, पब्लिक में ऐसे बांटते थे। कभी कभी रसगुल्ला और रसमलाई या वो गुलाब जामुन आदि। गुलाब जामुन को संज्ञा दिया था एटम बम है, इस काम का एटम बम है। तो जब क्लास होता था, लोग बैठते थे, गेस्ट लोग बैठते थे, क्लास होता था तो वो सभी प्रसाद जो है सामने में ऐसे रखे रहते थे, सब कांच का सब बॉटल या कुछ ऐसा प्लास्टिक बॉटल होगा तो सब दिखाई देता था, लोग देखते थे कब प्रसाद बटेगा, तब पूरा मुंह में पानी रहता था। लेकिन प्रभुपाद जो है कीर्तन के बाद में, क्लास के बाद में बांटते थे हमेशा। तो कुछ लोग तो खाली प्रसाद के लिए आते थे, उसी बहाने कथा भी सुनते थे, हरिनाम भी कीर्तन होता था इस तरह से। लेकिन मेन उद्देश्य होता था उधर लोग का ध्यान, क्योंकि इतना स्वादिष्ट वो लोग को कहीं जीवन में मिला नहीं था। तो ये प्रसाद का कमाल, प्रसाद खिला करके लोगों को भक्त बनाए। अधिक के अधिक से अधिक प्रभुपाद ने इस कान में ये था, मतलब कमाल कर दिया। आज भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रसाद के द्वारा इस कान में भक्त बन रहे हैं। खाली इस कान की बात नहीं, और भी जगह जहाँ भी भगवान की पूजा अर्चना होता है वहाँ प्रसाद का इस्तेमाल। तो वैष्णव का जूठन, वैष्णव का जो बचा हुआ प्रसाद खाने के बाद में उस बालक में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि उनका जो है एक रुचि उत्पन्न हो गया। किसमें रुचि उत्पन्न हो गया? भगवान की कथाओं में। वो लोग जो जो कुछ कथा करते थे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते थे, भगवान का नाम कीर्तन करते थे, लीलाओं का गुणगान करते थे, उनमें उस 5 वर्ष के बाद रुचि उत्पन्न हो गया। और रुचि का जो स्टेज हम समझ सकते हैं, रूप गोस्वामी ने उसको बहुत अच्छा से स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया है भक्ति रसामृत में। वो कहते हैं कि आदो श्रद्धा, शायद आप लोग कोई यदि भक्ति शास्त्र कोर्स अटेंड किया हो तो आप सुनेंगे, आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो रुचि ततो निष्ठा ततो भाव प्रेमाभिदंजति साधका नाम भवित क्रमः, ऐसा श्लोक है। वो कहते हैं आदो श्रद्धा, सबसे पहले जो है कोई जीव श्रद्धा होता है, मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, आदो श्रद्धा सबसे पहले श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब क्या, श्रद्धा का भी परिभाषा दिया गया है। श्रद्धा का परिभाषा मतलब ये नहीं कि आप कोई देवी का भक्त हो गए या और किसी का भी, कोई तथाकथित साधु का भक्त हो गए तो श्रद्धा है, नहीं। श्रद्धा का मतलब यहाँ बहुत अच्छा परिभाषा दिया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, मतलब श्रद्धा शब्द का मतलब होता है ऐसा विश्वास जो कृष्ण संबंधी विश्वास। वो क्या कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भक्ति करूंगा तो मेरा सब कुछ सद जाएगा, सारे कर्म हमारे सद जाएंगे। भगवान की यदि भक्ति करने लगूंगा तो हमारे सारे काम सद जाएंगे, उसको बोलते श्रद्धा। ये टॉप मोस्ट श्रद्धा है, श्रद्धा की परिभाषा। तो रूप गोस्वामी ने इसका परिभाषा दिया है, तो आदो श्रद्धा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, आदो श्रद्धा के बाद ततः साधु संग। जब श्रद्धा उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक है कोई साधु संग करेगा, साधुओं का संगत करेगा, साधु संग करेगा।
वहाँ जा करके उसका सेवा शुश्रूषा करके पूछेगा भगवान के विषय में, ये साधु संग हो गया। ठीक है, आदो श्रद्धा ततः साधु संग। उसके बाद तीसरा स्टेप में आता है, साधु संग के बाद क्या होगा, साधु संग के बाद ततो भजन क्रिया। आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब अभी भजन करना चालू हो गया, जब साधु से मुलाकात हो जाएगा, सच्चे साधु से मुलाकात जब हो जाएगा तो वो बताएगा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे जप करो, ऐसे नाम जपो, ऐसे प्रसाद खाओ, ऐसे पूजा करो, यही बोलेंगे ना। साधु संग का ये मतलब है, ऐसा नहीं कि बस संसार की वार्ता, संसारी वार्ता करके छोड़ दें, नहीं, वो साधु संग नहीं। कभी कभी साधुओं में भी साधु संग नहीं हो पाता है, आजकल के जमाने में साधुओं में साधु संग नहीं होने लगता है, वो कुछ दूसरा ही होने लगता है, संसार की वार्ता या पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, तो वो साधु संग नहीं, वो तो एक प्रकार से असत्संग बोल सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले हैं कि इस तरह का साधु संग से कोई मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला, इसको बोले हैं असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। ये असत संग है एक प्रकार का, सांसारिक सांसारिकता में पड़ जाना, ये एक प्रकार का असत संग है, तो कोई सत्संग नहीं हुआ, असत संग है, उसे हमारा कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला और नुकसान हो जाएगा। तो आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजन क्रिया, किस प्रकार से माला में जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, किस तरह से प्रसाद खाना है, सुबह कैसे उठना है, भगवान को कैसे प्रणाम करना है, तुलसी को कैसे प्रणाम करना है, प्रणाम मंत्र क्या है, भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है, ये साधु संग में ये सब मतलब बताया जाता है। जब एक बार जब बताया जाएगा तो वो अपने आप करने लगता है, एक बार जब सिखा देगा साधु साधु महाराज तो उसी ढंग से वो चलने लगेगा। जैसे कोई पथिक मार्ग भटक गया है और एक जो पथिक है वो अपना डेस्टिनेशन जा रहा है, तो जो भटका हुआ जो पथिक उसको पूछेगा दूसरा को कि हमें ये डेस्टिनेशन में जाना है, ये गंतव्य में जाना है, तो मार्ग किधर है, किधर से जाना है, तो वो जो पथिक जो जानता है वो बताएगा कि आप आइए हमारे साथ, हम बताएंगे ऐसे जाना है। तो इस तरह से साधु जो है अपने समान और को भी गाइड देता है और इस तरह से साथ में चलते हैं। साधु संघ में सब साथ में चलना है, आगे पीछे चलना है ही नहीं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, भक्ति मार्ग में कोई कंपटीशन नहीं है, बाकी और मार्ग में केवल कंपटीशन के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए उसमें हताशा ही आदमी को मिलता है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है इसमें हताश होने की कोई बात नहीं है, इसमें सब साथ साथ चलिए, इसमें कोई ईर्ष्या करने वाली बात नहीं है, तुमको भी वहीं जाना है हमें भी वहीं जाना है, हम भी उतना ही गिरे हुए हैं हम भी उतना ही गिरे, इस तरह से। तो ये भक्ति मार्ग इतना सुगम सरल और रुचिकर है। तो भजन क्रिया इसको बोलते हैं, भजन क्रिया मतलब लेट अस गो टू द टेम्पल, या जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ चले। तो ये तो हो गया भजन क्रिया। तो जब भजन क्रिया होगा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा,
तो भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद सबसे बड़ा बाधा क्या होगा? अभी कलयुग है, लेकिन ये और युगों में भी इस तरह से ये चीज लागू होता है, होता आया है। वो क्या है, जैसे हम भजन क्रिया चालू करते हैं, भजन करना चालू करते हैं, ऑब्स्टिकल खड़े हो जाते हैं। ऑब्स्टिकल का कोई गिनती नहीं है, बाधाओं का कोई गिनती नहीं है, और उनका कोई प्रकार का भी कोई गिनती नहीं है। कितने प्रकार के होंगे, कितने संख्या में होंगे, ये जो बाधाएं हैं, विघ्न बाधाएं, आप कितना भी गणेश जी का वो तो विघ्नराज हैं, विघ्नहर्ता हैं, कितना भी वो प्रार्थना करेंगे फिर भी बाधाएं आते रहेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। और ये हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, आध्यात्मिक क्रियाओं में वो विघ्न करते हैं। संसार में वो विघ्न जैसे लगते नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक में की छोटी छोटी ही बहुत बड़े विघ्न आ जाते हैं। यदि कोई भजन कर रहा है तो उसको कुछ ऐसा टोक दिया, कुछ बोल दिया, वो भी एक प्रकार का डिस्टर्बेंस हो गया। या किसी के भजन करते करते उसके मन में कुछ संसार में ध्यान चला गया, वो भी एक प्रकार का विघ्न है। तो नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं जैसे भजन क्रिया चालू हो जाता है। तो हमारा जो प्रेजेंट अवस्था जो है, कोई यदि चालू कर भी दिया है भजन क्रिया, तो उनका ये ऑब्स्टिकल, ये जो विघ्न बाधा के दौर में हम गुजर रहे हैं, ये समझनी चाहिए। कोई भक्ति में हम कहाँ तक आगे बढ़ गए हैं उसको यदि समझना चाहता है, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कितने पानी में हैं, कौन कितने पानी में है, ये हम समझ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी इसका एक मीटर बनाए हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। ये सारे अनर्थ निवृत्ति, जब हम भजन क्रिया करेंगे तो धीरे 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 एक एक करके जो है हमारे अनर्थ जो है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होते जाएंगे। किसी का धीरे धीरे होगा, ये जो ऑब्स्टिकल है प्रॉब्लम से सॉल्व धीरे धीरे होगा, और किसी का तेजी से होगा। जो एकाग्रता पूर्वक जो भजन करेगा, भगवान में मन लगा करके करेगा, तो उसका और जल्दी ये ऑब्स्टिकल दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे। और जैसे जैसे अनर्थ दूर होंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो रुचि जो है, उसके नेक्स्ट स्टेप हम आपको ये श्लोक पर रुचि शब्द आया है उस पर हम बता रहे हैं, उसके बाद रुचि पैदा होगा। रुचि वह चीज है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में टेस्ट बोलते हैं, कोई चीज़ हम जीवा से टेस्ट करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, मीठा गुलाब जामुन इधर मुंह में रख दिया बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा है, रसमलाई डाल दिया बहुत अच्छा है, कोई मीठी बात बोलता है कान में बहुत अच्छा है, कानों के लिए मधुर भाषी मधुर भाषण कोई बोलता है बहुत अच्छा बोलता है। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रुचि, रुचि पैदा हो जाता है। तो भगवान की कथाओं में किस तरह से रुचि पैदा हो जाता है, ये यहाँ बताया गया है कि भगवान का प्रसाद खाने मात्र से उस बालक में रुचि पैदा हो गया। भगवान की लीला कथाओं में रुचि पैदा, उसके पहले मालूम नहीं था। भगवान की लीला तो सभी लोग सुनते हैं, कहते भी हैं, लेकिन उनमें कोई रुचि नहीं होता है। जैसे तोता रटता है ना, तोता रटंत जैसा है, हम स्कूल में पढ़ा था तोता रटंत के एक बारे में, एक कविता जैसे बनाए थे,
शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऐसा तोता को किसी ने, कोई साधु ने सिखा दिया था। तो वो तोता किसी दिन मौका पा करके वो साधु की कुटिया से फुर्र करके उड़ गया, जंगल में चला गया। लेकिन जो साधु जी ने जो सिखाया था वही चीज़ को जंगल में भी ऐसे रटने लगा, तो बहेलिया उसका आवाज़ से वो भले वो इस तरह से गा रहा था लेकिन वो देख लिया, शिकारी ने आवाज़ कर रहा तो देख लिया तोता ये बोल रहा है, आदमी की भाषा बोल रहा है, तो तोता सिखाने सीख जाता है ना, आदमी की भाषा बोलता है। तो शिकारी उसको पकड़ने के लिए चल दिया, वो जाल फैला दिया। वो तोता तो खाली रटा मात्र था, रटा था और उसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, खाली थ्योरेटिकल था। जाल फैला दिया, तोता उसमें फंस गया। वो फंसने के बाद भी वो बोलता है शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो नॉलेज जो है कोई काम नहीं आता है, हमको प्रैक्टिकल चाहिए, उसमें रुचि होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे भजन करेंगे वैसे वैसे हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते जाएंगे, और वैसे वैसे रुचि उत्पन्न होते जाएगा, और रुचि के बाद फिर आगे अगला स्टेप जो है वो है भाव। रुचि के बाद भाव आए, और वही भाव जो है जब गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ हो जाएगा तो वही प्रेम में बदल जाएगा, वही कृष्ण प्रेम है जिसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी शरीर से हम भगवान का प्रेम कैसे पा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है इस तरह से। तो इसी संसार में हम जीवन मुक्त इसको बोला जाता है, मतलब जीवन रहते ही हम मुक्त, हम एक क्या बोलेंगे साक्षात्कार, भगवान से साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसको प्रेम मिल गया वो साक्षात्कार हो गया इस तरह से। तो एक प्रोसेस है जो हमारे जो गोस्वामी लोग थे, षठ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी लोग थे और भी जो संत लोग थे, ये सभी जो हैं सिद्ध महात्मा थे, मतलब साधन करके, कुछ लोग जो है नित्य सिद्ध हैं लेकिन कुछ लोग जो है साधन सिद्ध हैं। जो साधन सिद्ध हैं